बड़ी खबर की तरफ जो कि सागर से है, बता दें आपको कि सागर से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है और बस ड्राइवर ने छात्रा से छेड़छाड़ की है। तो सागर से बड़ी खबर, जहां पर बस ड्राइवर ने छात्रा से छेड़छाड़ की, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा ने पहले स्कूल में शिकायत की थी, तो कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और मकरोनिया की स्कूल बस का ये पूरा मामला है। तो उस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही है जो कि सागर से है, जहां पर बस ड्राइवर ने छात्रा से छेड़छाड़ की और साथ ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बस ड्राइवर ने छात्रा से छेड़छाड़ की, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। छात्रा ने पहले स्कूल में इसके बारे में शिकायत भी दी थी और कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस में अब शिकायत दर्ज कराई है। तो मकरोनिया की स्कूल बस का ये पूरा मामला है। तो सागर से बड़ी खबर है, जहां पर बस ड्राइवर ने छात्रा से छेड़छाड़ की और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इससे पहले छात्रा ने स्कूल में भी ड्राइवर की शिकायत की थी, लेकिन जब इस पूरे मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाद पुलिस में जाकर एफआईआर दर्ज कराई गई और अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मकरोनिया की स्कूल बस का ये पूरा मामला है। तो बता दें आपको कि छात्रा ने इससे पहले स्कूल में भी शिकायत की थी, लेकिन स्कूल से कोई कार्रवाई नहीं की गई आरोपी के खिलाफ, जिसके बाद फिर छात्रा ने थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई, फिर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बस ड्राइवर ने छात्रा से छेड़छाड़ की, इस मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इससे पहले छात्रा ने स्कूल में भी शिकायत दी थी, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई ना होने के चलते फिर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। मकरोनिया की स्कूल बस का यह मामला, जहां पर ड्राइवर ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की।